अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग के साथ। आप देख रहे हैं सफदर हटाक। जैसा कि आप सबको पता है, आज बहुत ख़ास दिन है। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान का एक अहम तरीन दिन है। आज इलेक्शन, 12 करोड़ आवाम ने फैसला करना है पाकिस्तान की तकदीर का। टोटल वोटर्स है पाकिस्तान में 12 करोड़ 85 लाख। उम्मीदवारान हैं जी 17,000, उसमें 11,000 आज़ाद उम्मीदवारान है, बाकी 6,000 जो है वो पार्टी। पोलिंग का वक्त बहुत कम रह गया, तकरीबन 5 बच्चों के है, 1 घंटा रह गया रिज़ल्ट आने में, तकरीबन कुछ ही देर बाकी है, कुछ ही घंटे हैं। उसके बाद पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला हो जाएगा कि अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा। तो इंशाल्लाह सबकी उम्मीदें हैं कि इमरान खान ही बनेगा। उम्मीद है ये इलेक्शन इंशाल्लाह साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, इसमें कोई धांधली नहीं होगी, क्योंकि सिक्योरिटी हालात भी बहुत सख्त है, बहुत टाइट रखे गए। इंटरनेट की भी बंदिश है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बन जाते हैं, धमाके वगैरह का खतरा होते हैं। इंशाल्लाह ये इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, क्योंकि इंटरनेट की भी बंदिश है, सिक्योरिटी हालात बहुत टाइट है। अभी तक सिग्नल नहीं आए, सुबह सवेरे सिग्नल चले गए थे। इंशाल्लाह इंटरनेट भी बाहर। पोलिंग का वक्त भी ख़त्म होने को करीब है, 1 ही घंटा बाकी है, और इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में फैसला होगा। 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे, पोलिंग का टाइम आउट हो जाएगा 6 बजे के बाद, और उसके बाद ही फैसला होगा। रात के इंशाल्लाह 11 बजे तक रिज़ल्ट निकल आएगा। का बहुत लोगों को इंतज़ार था, सबको, बल्कि पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था कि इलेक्शन कब होंगी, इलेक्शन कब होंगी। आखिर इलेक्शन का दिन आ गया, और इंशाल्लाह बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें कोई धांधली नहीं होगी, किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ होंगे। तो आज ही इंशाल्लाह वक्त आ चुका है रिज़ल्ट का, 1 घंटा बाकी है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हाय जैन, कौन जीतेगा आज बता? बिटिया इमरान खान ना क्या जीतेगा? बैंगन। कौन जीतेगा? बैंगन। बैंगन कौन है? इमरान खान का इंतखाबी निशान है। बैठ नहीं है उसका, बल्ला हट गया। कब हटे? वो तो पेशावर के हाईकोर्ट ने वापस दे दिया। नहीं दिया था। जैने ये बता, तूने वोट किसको दिए? पीटीआई को। पहले जाऊंगा, अभी पीटीआई को दूंगा। अभी तो टाइम खत्म हो गया, कब जाएगा? अभी जा रहा हूँ, अभी जाऊंगा। आईडी कार्ड है तेरे पास? नहीं। हाय हाय जैने, ये है इमरान खान का छोटा सपोर्टर, पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अगले वजीर आजम इमरान खान मुंतखब होंगे, उसके लिए थोड़ी देर ही बाकी है, चंद घंटे बाकी रह गए। हमारे इलाके में तो खान इसीलिए जीत जाएगा क्योंकि किसी और पार्टी का कोई सपोर्टर है ही नहीं, सारे पीटीआई के हैं। तो इंशाल्लाह उधर से तो कोई मसला ही नहीं है, मसला है पंजाब से। पंजाब से भी इंशाल्लाह जीतेंगे भारी अक्सरियत से, फिर ही कुछ बनेगा इंशाल्लाह। दुआ है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के करीब है, 5:15 हो गए हैं, 8 फरवरी है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, इमरान खान की जीत होगी, जेल से बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह, सारे केसेस उस पर ख़त्म कर दिए जाएंगे, और दूसरा भगोड़ा जो है वो सीधा वापस जाएगा लंदन। कुछ ही घंटे बाकी हैं इस फैसले में। जिसने भी वोट नहीं डाला, अभी भी टाइम है, 45 मिनट रह गए हैं, फिर पछताओगे बाद में। आपकी एक एक वोट बहुत कीमती है। तो ये थी शॉर्ट सी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।